हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक में हमको छोटा मोटा अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। इस अपसाइड के साथ हम देख सकते हैं फिलहाल स्टॉक जो है 68.27 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। 72 के लेवल से रिजेक्शन लिया, गिरावट दिखा रहा है स्टॉक में, तो यहाँ से आप और गिरावट स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन हम देख सकते हैं 66 का जो इसका सपोर्ट है वो स्टॉक ने ब्रेक डाउन नहीं किया है। जहाँ से इससे पहले भी गिरावट आई थी तो कहाँ सपोर्ट लिया था, 66 के सपोर्ट पर ही। तो स्टॉक ने अभी तक अपने इस रिसेंट लो को ब्रेक डाउन नहीं किया, इसके ऊपर है, तो यहाँ से रिकवरी देखने के लिए भी मिल सकती है और इस हाई को ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर 66 का सपोर्ट ब्रेक डाउन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में नेक्स्ट सपोर्ट 64 और फिर हमको इसमें 60 से लेके 58 तक का भी फॉल सुजलॉन में दिखा सकता है। फिर इस लेवल के आसपास से बाउंस बैक के चांस बनेंगे, इस लेवल के आसपास से फिर रिकवरी के सुजलॉन में चांस बनेंगे। अगर गिरावट आती है तो फिर इस लेवल पर एक बढ़िया मौका बन सकता है। और अब अगर जंप आता है तो जैसे हम देख रहे हैं कि 70 इमीडिएट टारगेट है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 72 के लेवल पर, तो 72 का ब्रेकआउट का इंतज़ार है। अगर बाउंस बैक करके सुजलॉन 72 के लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 80 और 80 के ब्रेकआउट के बाद 100 तक का भी जंप सुजलॉन दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट फिर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।